महात्मा बुद्ध के पास एक भिक्षुक आया, नया नया सन्यासी बना था और आया बोला, महात्मा जी मैं साधु बना हूं, पर्यटन पर जा रहा हूं, मुझे उपदेश कर दो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार बड़ा कठिन है, बड़ा अपमान करेगा, मत जाओ। कोई बात नहीं, बोले अपमान ही तो करेगा, घर से थोड़ी निकालेगा। बोले निकाल भी सकते हैं, अच्छा घर से निकालेंगे लेकिन डंडा थोड़ी उठाएंगे। बोले उठा भी सकते हैं, अच्छा डंडा उठाएंगे मारेंगे थोड़ी। बोले अरे भैया कोई ठिकाना नहीं है, मार भी सकते हैं। अभी पाल घर की घटना याद ही होगी महाराष्ट्र की। बोला वह नया साधु, अच्छा ये डंडा उठाएंगे मारेंगे, अच्छा जान से थोड़ी मार देंगे। महात्मा जी ने कहा, महात्मा बुद्ध बोले जान से भी मार सकते, कोई भरोसा नहीं है। नया साधु बोला जब मरना ही है तो ये बढ़िया है कि 10 दिन बाद में मरेंगे तो अच्छा है कि एक ही दिन में हम मर जावे। महात्मा बुद्ध बोले अब तुम पक्के साधु बन गए, क्योंकि मान सम्मान निंदा स्तुति जिसके लिए बराबर हो जाए वो साधुता है, स्वभाव होता है साधु, दया का मैत्री का करुणा का उत्कर्ष की भावना, ऐसा तप ऐसा त्याग होवे तो वो किसी भी वस्त्र में हो। आवश्यकता नहीं है उसको कि लाल पीला पहने भगवा पहने तभी वो साधु कहलाएगा, वो तो किसी भी स्वरूप में हो सकता है, कुछ भी पहन करके हो सकता है, क्योंकि उसके स्वभाव में साधुता है। वो माँ को वंदन करता है, वो जगत को प्रणाम करता है, वो अपने आराध्य के स्वरूप को प्रत्येक व्यक्ति में देखता है, हर एक नारी में माँ रुक्मिणी और राधा का दर्शन करता है। वह यही नहीं देखता कि यह स्त्री है, वह यही नहीं देखता ये पुरुष है, वह तो केवल आत्मा में परमात्मा को निहारता है।